नमस्ते माइनक्राफ्ट, मेरा नाम है स्टीव और हम आज लेके आ गए हैं माइनक्राफ्ट का दूसरा वीडियो। तो पहले वीडियो में आपने देखा कि जैसे मैंने शुरू किया था कि एक नए वर्ल्ड में हम चलेंगे आज, और आज करेंगे वहाँ पे कुछ धमाकेदार। तो कुछ तो धमाकेदार हमने पीछे किया भी और आगे और धमाकेदार करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हमारे सामने है पिगी, पिगी के साथ करते हैं थोड़ी सी फाइट इसलिए क्योंकि हमें चाहिए थोड़ा सा फूड। तो पिगी तू भाग मत क्योंकि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलो पिगी का तो गेम हो गया। अल्लास अब सामने मुझे दिख रही है आई थिंक गाय है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे भी कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। चलो तो हमें मिल चुका है रोमेटन, अब चलते हैं आगे की तरफ। एक और पिगी दिख रहा है, क्या हम इसका शिकार करें? नो, चलते हैं। स्टीव का मन नहीं है। वाओ, ये देखो सूरज की रोशनी में कितना खूबसूरत लग रहा है ये पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। यहाँ से देखते हैं लोकेशन थोड़ा सा आगे। वाओ क्या खूबसूरत है भाई, खतरनाक, बहुत शानदार, बेहतरीन। चलो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आज इस दूसरे वीडियो में हमारे साथ कुछ नया क्या होने वाला है। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि रात, ओहो लग क्या रहा है भाई, रात हो चुकी है। देखना ये है कि क्या यहाँ पे भी ज़ॉम्बीज मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं या नहीं। ये देखो सूरज एकदम नीचे आ चुका है, गाय को तो मैंने टपका ही दिया। चलो अब भागते हैं दूसरे लैंड पे, वो सामने दिख रहा है मुझे, मैं जाऊंगा वहां पे। तो चलो जल्दी जल्दी आप लोग भी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते तो हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते यार। और मेरे लिए स्टीव के नाम पे एक कमेंट तो बनता है मेरे भाई, अब भाई सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा। जल्दी जल्दी कर दो जल्दी, जितने लोग जुड़े हुए हो सब लोग, जो भी इस वीडियो को बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए देख रहा है उससे तो सबसे पहले यार रिक्वेस्ट है यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम पहुंचते हैं दूसरे लैंड पे, यहाँ पे देखते हैं कहीं यहाँ पे भी हमारे पीछे ज़ॉम्बीज तो नहीं लग चुके हैं। लगता तो नहीं है लेकिन आई थिंक सो, जो भी हो ज़ॉम्बीज। अरे भाई वो देखो, अरे वो क्या लेके निकल रहा है अंदर से त्रिशूल। तो भाई ये तो ज़ॉम्बीज कम और राक्षस ज्यादा लग रहे हैं यार, महाभारत काल के नहीं सॉरी रामायण काल के। जो भी है फिलहाल हमको वहां से भागना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, कोई भी ऐसी वेपन नहीं है जिससे हम ज़ॉम्बीज को मार सके। कोई नहीं, हम ढूंढते हैं दूसरा लैंड जहाँ पे हमारे लिए कुछ शानदार और आपके लिए कुछ मजेदार हो। मेरे लिए तो ये मोड बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कुछ अनोखा ही दिख रहा है मुझे, लेकिन आपके लिए कोई टफेस्ट नहीं है। आपको बस करना है चैनल को सब्सक्राइब, नीचे देखो एक रेड कलर का बटन है उसको दबाना है, साइड में एक बटन है लाइक का, एक बार उसको क्लिक कर दो, और स्टीव के नाम पे एक कमेंट तो बनता है मेरे भाई। ये देखो नीचे का, वाओ क्या बात है यार, कितना खूबसूरत लग रहा है नीचे। देखो आप लोग नीचे, चलो मैं आगे चल के और दिखाता हूँ आपको, और अंदर तक दिखाने की कोशिश करूँगा एक बार। वाह यार क्या सीन है पानी के अंदर, वो भी इतना खूबसूरत, बाप रे। मैं तो एकदम मतलब आप सरप्राइज्ड हूँ पूरी तरीके से कि हे भगवान ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे आज। और ये तो छोड़ो, मुझे वो देखो नीचे, ओए होए ओए होए ओए होए, ये तो कोई विलेज लग रहा है ज़ॉम्बीज का या फिर मछलियों का है। चलो थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं क्या मैं वहां तक जा पाऊंगा। नहीं लगता, मेरी सांस फूल जाएगी, मैं डूब जाऊंगा, स्टीव को बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि सामने हमारे एक बहुत ही खूबसूरत सा माइनक्राफ्ट का दूसरा वर्ल्ड तैयार हो चुका है। हम पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द दूसरे लैंड पे, तो यहाँ हमें किसी से कोई डर नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ ज़ॉम्बीज नहीं मिलेंगे क्योंकि हम बहुत ही दूर आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुके हैं। तो जल्दी से फटाफट आप लोग चैनल को करो सब्सक्राइब, तब तक हम लोग पहुँचते हैं दूसरे वर्ल्ड में और देखते हैं कि यहाँ हमारे पास आज क्या होने वाला है, हमारे आगे की प्लानिंग क्या है ये हम आपको बताएंगे वहाँ पहुँच के।
चलो पहले चलते हैं। और ये पूरा वाइट स्टोन से बना पड़ा हुआ है पूरा लैंड, लेकिन हाँ थोड़ी सी जो मन में घबराहट है वो इस चीज़ से है कि क्या हो सकता है यहाँ की ज़ॉम्बीज मुझे मिल जाएं। बाबा रे बाबा, या बड़ू क्या होगा भाई स्टीव। चलो पहले चलते हैं ऊपर की तरफ, पहले देखते हैं कि एक राउंड लगाते हैं पूरे वर्ल्ड का। अरे भाई ला राउंड क्या लगाऊंगा, यहाँ तो देखो अपनी ही लंका लगी पड़ी हुई है। भाग ले भाई स्टीव यहाँ से निकल, यहाँ तो कुछ अलग ही सीन है यार, यहाँ तो और जगहों से ज्यादा ज़ॉम्बीज मुझे दिख रहे हैं। बाप रे बाप भाई, भाग ले भाग ले भाग ले भाई इंस्पेक्टर वागले, जल्दी से इधर इससे भाग रहे दुडू। वो देख अरे भाई इतने ज़ॉम्बीज, बाप रे ये तो फटने वाला ज़ॉम्बी, देखो कितनी जोर से मेरी तरफ आ रहा है। बाप रे बाप, मुझे तो लगता है ना कि यहाँ पे ये इन्होंने तो तगड़ा गेम बजाई। ओ है चोट लग गया। अरे ये देखो सामने कैसी लाइट आ रही है नीचे से, पानी के अंदर से जैसे किसी ने बल्ब जला रखा हो। वाह यार क्या खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है भाई, मेरा तो मन कर रहा है कि यहीं रह जाऊँ। अगर ज़ॉम्बीज नहीं होते ना तो मैं तो यहीं रह जाता, कहीं जाता ही नहीं, इतना खूबसूरत। बाप रे काश मेरा घर भी ऐसा होता आइलैंड पे, मैं तो कसम से गदर मचा देता भाई गदर। अच्छा वो देखो चोरों की तरह देख रहा है मुझे ज़ॉम्बीज उधर पीछे से, इतने कमीने हैं ये मेरे पीछे, हाथ में ढोल के पड़े हो ऊपर से आ रहा। भाग भाई चलो। अरे ये क्या कर दिया यार, ये क्या कर दिया, ये बुलबुले से क्यों निकल रहे हैं मेरे पीछे से, क्या अब मेरी लाइफ लाइन डेड होने वाली है, मुझे तो नहीं मालूम, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो तो प्लीज़ यार बता दो। ये देखो अरे वाह ये कितना खूबसूरत स्टोन लग रहा है मुझे, लेकिन ये मेरे फूड वाले में कुछ ग्रीन ग्रीन सा बॉबल जैसा आ रहा है, मुझे कुछ वहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये है क्या। खत्म हो गया, चलो खत्म हो गया। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, ये क्या है ग्रीन बॉक्स, इसमें क्या मिलेगा। चलो अभी आगे इन्वेंट्री खोलते हैं तब देखेंगे, अभी तो क्या खोलें यार, अभी तो ज़ॉम्बीज ही पीछे पड़े हुए हैं, मैं तो एकदम मरे से जा रहा हूँ। अरे 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 भाई ये तो वैसे ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं क्या इनसे कोई उम्मीद रखूं कि अभी जैसे इन्वेंट्री खोलूंगा उस क्राफ्टिंग के लिए तुरंत ही मेरे पीछे पड़ जाएंगे। चलो करते हैं अभी थोड़ी देर में ही करते हैं, पहले देख लें। अरे वाह यार ये देखो सामने भाई, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, ये भगवान ये कैसी जगह है यार, कैसी जगह है ये भगवान, काश मेरा घर होता यार यहाँ पे, प्लीज भगवान मेरे लिए घर बना दो यहाँ पे प्लीज प्लीज प्लीज। वाह ये देखो दूसरा मार्बल आ गया, ये भगवान काश 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 मेरा घर यहाँ होता तो मैं तो कहीं नहीं जाता, चांदनी रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहीं पे आराम से मजे काटता। ये देखो कितने प्यारे प्यारे स्टोन हैं यहाँ पे, कितने खूबसूरत कितने ब्यूटीफुल, वाह खतरनाक। जब तक लगाता हूँ मैं इस पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की राउंड, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट तो जरूर भर भर के करना मेरे भाई, दबा दबा के करना ठीक है। थोड़ा सा इस वर्ल्ड का, अरे सामने से ज़ॉम्बी आ रहा है भाग स्टीव। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।